दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन। बिजली की समस्या से जूझ रहे शिमला जिला के उपमंडल चौपाल के लोगों के सब्र का बांध आखिर टूट ही गया। बिजली बोर्ड के कोरे आश्वासनों से भड़के लोगों ने नेरवा बाजार में सड़कों पर उतरकर बोर्ड और 66 केवीए ट्रांसमिशन लाइन व सब स्टेशन का निर्माण करने वाले एसपीपीटीसीएल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के बाद व्यापार मंडल और पंचायत प्रतिनिधियों ने तहसीलदार नेरवा के माध्यम से ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से दोनों को दो टूक चेतावनी दी गई है कि यदि 66 केवीए कार्य को पूरा करने संबंधी लिखित आश्वासन नहीं दिया गया और विद्युत व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो 15 दिन के बाद और अधिक उग्र आंदोलन किया जाएगा। इसके विरोध स्वरूप नेरवा बाजार भी आज 11:30 बजे तक बंद रहा। बीना पोटन जी, आज जो ये धरना प्रदर्शन था ये किस लिए किया और पब्लिक को क्यों मजबूर होना पड़ा? नमस्कार जी, मैं कहना चाहती हूँ जो आज बिजली के प्रति जो धरना प्रदर्शन था इसमें जनता बहुत परेशान हो गई थी, बहुत ही दुखी हो गई थी क्योंकि बिजली वालों का बहुत ही बुरा हाल है। मुझे नहीं लग रहा है कि बिजली विभाग या सरकार का तालमेल है। जनता कई सालों से 10 साल से सफर कर रही है, इसमें जो कह रहे हैं कि 66 के भी हम लगा रहे हैं, 6 महीने में लगा रहे हैं और साल में लगा रहे हैं, हमें नहीं लग रहा है। यहाँ पे जनता आक्रोश कर रही है, विरोध कर रही है। यहाँ नेरवा तहसील की जो बात है, पूरी 22 पंचायतों का जो ये केंद्र बिंदु है, अगर इस बिजली का सुधार नहीं किया गया, वो चाहे बिजली है चाहे पानी है, किसी भी चीज का नहीं सुधार किया गया, हम 15 दिन के बाद इसका आक्रोश और आंदोलन बहुत तकड़ा करेंगे, विरोध करेंगे। धन्यवाद। हम जो आए सड़कों पर उतरे, हम बिजली वालों के खिलाफ है। बिजली की आंख में चौले बहुत हो गई है। बिजली सबकी जरूरत है, एक हमारी व्यापारियों की जरूरत नहीं है। और ये आह्वान सिर्फ व्यापार मंडल का नहीं है, ये पूरी नेरवा की जनता का। यहाँ 22 पंचायत जो आती है, इसके साथ हमारे पास जैसे कुपवी तहसील और चौपाल तहसील की बहुत सारी पंचायतें लगती है जिनका यही आना जाना सबका है। तो बिजली के बगैर सबको दिक्कत है, चाहे आप घर में ले लो, ऑफिस में ले लो, आप चाहे हॉस्पिटल में ले लो, सब जगह बिजली की बहुत दिक्कत है, शॉप के ऊपर सबको। तो हम चाहते हैं कि बिजली की व्यवस्था सुधरे। और सभी ये बोलते हैं कि इनके ऑफिसर बोलते हैं कि 66 केवीए जब तक नहीं बनेगा तब तक नहीं हुआ। तो हमारा 66 केवीए मेन मुद्दा है कि 66 केवीए को जल्द से जल्दी इसका काम पूरा किया जाए। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए नेरवा से सुरेश सूद की रिपोर्ट। पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स सोलन अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है और मात्र 5 वर्षों में ही आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका यह शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइन के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हों या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प लिए यह ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। भूषण ज्वेलर्स के MD विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, ढेरों उपहार व शोरूम में अपनेपन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है। इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन।